आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं इस तरह के कुछ वीडियोस भी लाता रहता हूँ। एक्टिंग की वीडियोस तो आती हैं, उनके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह की कुछ वीडियोस आपके लिए लाऊं जिनसे आपको थोड़ी हेल्प मिले, थोड़ा सा मोटिवेटेड आप फील हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन मिले, सही गाइडेंस मिले, क्योंकि सेल्फ हेल्प भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपको सारी ट्रेनिंग मिल गई, सारी नॉलेज मिल गई, लेकिन आपके अंदर वो जील, वो एनर्जी, वो रीज़न पैदा नहीं हुआ, ये सब क्यों किया जाए, कैसे किया जाए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी ना, तब भी आप इस इंडस्ट्री में नहीं आ पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इस तरह की सेल्फ हेल्प वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आगे भी इस तरह के कुछ वीडियोस लाऊंगा। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मोटिवेशन जो है ना, कि कहीं से भी आ सकता है और उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि वो कब तक रहेगा आपके साथ। मोटिवेशन है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो देख ली, किसी से थोड़ी देर बात कर ली, कोई ऐसा सक्सेसफुल इंसान है जिसने काफी कुछ अचीव किया, आपने उससे बात की, आप मोटिवेटेड हो गए। आपने कोई अच्छी किताब पढ़ ली, आप मोटिवेटेड हो गए। आपने कोई अच्छी वीडियो देख ली, आप मोटिवेटेड हो गए। लेकिन ये जो मोटिवेशन है ना, ये कुछ वक्त के लिए रहता है। आज आप बड़े मोटिवेटेड थे, आप सोए, सुबह उठे और फिर वापस से वैसे ही हो गए। लेकिन जो इंस्पिरेशन है, वो इंस्पिरेशन इस तरीके से फ्लक्चुएट नहीं होती रहती, वो इंस्पिरेशन आपके साथ रहती है, चाहे आप मोटिवेटेड रहें या ना रहें, आप इंस्पायर्ड रहेंगे। हो सकता है आपका कोई दिन बहुत डल हो, आज आप उतना अच्छा फील नहीं कर पा रहे, आज आपका दिन अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंस्पायर्ड नहीं है, क्योंकि आप इंस्पायर्ड है, आप दोबारा से अपने आप को उस ट्रैक पर ले आएंगे। अब ये इंस्पायर्ड रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको ना तीन सवाल पूछने पड़ेंगे आपसे। जी हाँ, वो तीन सवाल कौन से हैं? आपने जो डिसाइड किया है कि आपको एक्टर बनना है, या जो भी काम आप लाइफ में करना चाहते हैं, वो एक्चुअली में क्यों करना चाहते हैं, वाय? आपका ये जो रीजन है ना, वाय, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए आपका फंडा, कि आप ये करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं। आपका वाय बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने लोगों को देखा अक्सर, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन क्यों, क्या रीजन है? अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं है, तो आप वहां तक पहुंचने में हो सकता है आपको काफी काफी ज्यादा वक्त लग जाए, या आप कभी पहुंच ही ना पाए। इसलिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्पिरेशन के लिए, कि हम आप किसके लिए करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जहां तक भी आप पहुंचना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो किसके लिए करना चाहते हैं। किसी ना किसी इंसान से आपको वो चीज़ रिलेट करनी पड़ेगी, चाहे आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे ब्रदर, सिस्टर, मॉम, डैड, या आपके कोई दोस्त हो, किनके लिए आप ऐसा करना चाहते हैं। किसी ना किसी इंसान से आपको रिलेट करना पड़ेगा, तभी आपको वो जील, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिलेगी, वो इंस्पिरेशन आपको मिलेगा। क्योंकि जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचेंगे, या जब भी आप उस इंसान को देखेंगे, तो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी दोबारा उठने की, दोबारा मेहनत करने की। अगर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा ना, जिससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मोटिवेशन रहेगा कुछ वक्त के लिए, फिर चला जाएगा, फिर आप ठंडे पड़ जाएंगे, फिर आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप क्या करना है। और तीसरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि वेन, आप कब करना चाहते हैं। हमें ये करना है, हमें शॉप खोलनी है, हमें बंगला बनाना है, हमें करोड़ रुपए चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है, हमें करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कब करना है हमें ये नहीं पता होता है। तो आपका वो टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम पीरियड, वो डेडलाइन रेडी होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डेट में मुझे ये काम करना ही है। किसी भी तरीके से आपकी प्लानिंग एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जो हैं आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर आप इंस्पायर्ड रहना चाहते हैं और कुछ डेफिनेटली अचीव करना चाहते हैं, तो ये तीन W आपके लिए क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई, हुम एंड वेन।